Use of should be, should not be, should have been, should not have been. यानी इसमें हम should be और should have been का use करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे should be. Should be कहाँ use होता है? जब sentence में रहा होना चाहिए या किया जाना चाहिए, तब should be का use होता है. लेकिन इसकी जो form है use करने की, वो अलग-अलग होती है. कैसे? जब हम बात करेंगे रहा होना चाहिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होना चाहिए है, उसमें हम should be के साथ verb की first form और ing लगाएंगे, कर रहा होना चाहिए, ठीक है? तो उसके साथ verb की first form के साथ ing लगाएंगे. और next है किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए में should be के साथ verb की third form का use होगा, ठीक है? अब हम इससे related कुछ sentences देखते हैं. अब कुछ काम किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए should be के साथ verb की third form. पहले subject should be, verb की third form और फिर object. अब कुछ काम किया जाना चाहिए, ठीक है? Now some work should be done, किया जाना चाहिए, ठीक है? Should be done, do, did, done third form आएगी. अब कुछ काम किया जाना चाहिए. Now some work should be done. Next है राधा को इस समय घर पर ही रहना चाहिए, यानी रहा होना चाहिए ना, रहना चाहिए. तो राधा should be at home, should be at home at this time. देखिए इसमें कोई भी form of verb नहीं आ रही है. राधा should be at home at this time. इसमें कोई भी form of verb नहीं है, verb की कोई भी form नहीं है. इसीलिए जो भी हमारा adjective होता है और noun होता है ना, वो हम लगा देते हैं. ज़्यादा confused होने की ज़रूरत नहीं है. जो verb नहीं है तो verb तो कहाँ से लगेगी, ठीक है ना? तो इसमें कोई form of verb नहीं है. राधा should be at home at this time. इस समय यानी राधा को इस समय घर पर ही रहना चाहिए, रहा होना चाहिए, रहना चाहिए. Next, उसे उस इस समय मेरा काम पूरा करते रहना चाहिए, यानी रहा जो उस करते रहना चाहिए, ठीक है ना? उसे इस समय मेरा काम पूरा करते रहना चाहिए. अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा. He should be completing my job this time. उसे इस समय मेरा काम पूरा करते रहा होना चाहिए या रहना चाहिए. He should be completing my job this time. ठीक है, verb की first form के साथ ing. देखिए क्या है, sentence के last में रहा होना चाहिए, रहना चाहिए, तो verb की first form के साथ ing लगेगा. और किया जाना चाहिए तो should be के साथ verb की third form लगेगी. Next है should have been. इसमें ही देख लेते हैं. देखिए उसे इस समय मेरा काम पूरा करते रहना चाहिए. He should be completing my job this time. उसे इस समय मेरा काम पूरा नहीं करते रहना चाहिए. He should not be, should के साथ not लगा, should और be के बीच में not आ जाएगा. He should not be completing my job this time. Next, क्या उसे मेरा काम पूरा करते रहना चाहिए? Should he be completing my job this time? Next, ये तो interrogative में, negative interrogative में, क्या उसे मेरा काम पूरा नहीं करते रहना चाहिए? Should he not be completing my job this time? तो ये should be का use होता है, should not be का भी, ठीक है ना? अब जब पहला sentence पे ही आए, अब कुछ काम किया जाना चाहिए. Now some work should be done. अब कुछ काम नहीं किया जाना चाहिए. Now some work should not be done. Should और be के बीच में not आ जाएगा. नेक्स्ट है should have been का यूज और should not have been का यूज. should have been और should not have been कहाँ लगता है? देखिए should have been रहा होना चाहिए था. should have been का यूज, रहा होना चाहिए था, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगी इसमें. सब्जेक्ट should have been, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. और शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगेगी?
जब सेंटेंस में हो किया जाना चाहिए था आ रहा है, रहा होना चाहिए था should have been verb की फर्स्ट फॉर्म, किया जाना चाहिए था should have been verb की थर्ड फॉर्म। देखिए कुछ सेंटेंसेस, काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, ये जो सेंटेंस होंगे ये पैसिव सेंटेंस होंगे, ठीक है ना, पैसिव सेंटेंस होंगे। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या होगा, द वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू, द वर्क शुड हैव बीन डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, किया जाना चाहिए था, ठीक है ना, पैसिव वर्ड है ये, ठीक है ना, काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था, the work should have been done by you, active passive voice अभी क्या हम करेंगे अपने टॉपिक्स में। नेक्स्ट है उसे स्कूल में रहना चाहिए था, रहा होना चाहिए था, रहना चाहिए था, ठीक है ना, he should have been in school, रहा रहना चाहिए था, he should have been in school। देखिए इसमें क्या है, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, कोई भी, ही शुड हैव बीन इन स्कूल, रहा होना रहना चाहिए था तो है लेकिन वर्ब की फॉर्म नहीं है। अगर मैं इसमें लिखती उसे स्कूल में पढ़ते रहना चाहिए था तो आता ही शुड हैव बीन स्टडिंग इन स्कूल, स्टडिंग आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता, लेकिन इसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, कोई नाउन आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है, ज्यादा कंफ्यूजिंग मत हो कि वर्ब की फॉर्म है ही नहीं तो स्कूल ही लगेगा डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप भी। नेक्स्ट है उसे अपना काम करते रहना चाहिए था, करते रहना चाहिए था, शी शुड हैव बीन वर्किंग, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, शी शुड हैव बीन वर्किंग, उसे अपना काम करते रहना चाहिए था। अगर मैं कहूं उसे अपना काम नहीं करते रहना चाहिए था, नहीं करते रहना चाहिए था, तो she should not have been working, should have और should और have been के बीच में not लगेगा, यानी should और have के बीच में not लगेगा। Next है क्या उसे अपना काम करते रहना चाहिए था, should she have been working, क्या उसे अपना काम नहीं करते रहना चाहिए था, should she not have been working, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था, the work should have been done by you, वर्ब की थर्ड फॉर्म, should have, किया जाना चाहिए था, काम तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, तो should और have के बीच में not लग जाएगा, the work should not have been done by you, क्या काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए था, should work have been done by you, क्या काम तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, तो should work not have been done by you, तब भी किया जाना चाहिए था तो should have been के साथ verb की third form लगेगी, और रहा होना चाहिए था तो should have been के साथ verb की first form और ing लगेगा, और ऐसे ही रहा होना चाहिए के साथ, रहा होना चाहिए should be के साथ verb की first form plus ing should be के साथ, और किया जाना चाहिए should be के साथ verb की third form, difference है ये, रहा होना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, should have been, रहा होना चाहिए था तो verb की first form plus ing, किया जाना चाहिए था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शुड बी में रहा होना चाहिए और तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी शुड बी के साथ, और किया जाना चाहिए शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है ये डिफरेंस है शुड बी और शुड हैव बीन में। ये हमने अपने शुड के टॉपिक में नहीं किया था, ये हम आज इसका डिफरेंट टॉपिक है ये, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि शुड बी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाती हैं, सेम कंडीशन शुड हैव बीन में होती है, शुड हैव बीन में भी एक जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और दूसरी जगह शुड हैव बीन के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये इसी वजह से शो किया गया है।
Thank you. Thank you for watching this video. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.